तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, ये तो कोणार्क के सूर्य की धरती है और हमारा तो संकल्प ये है कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुँचा। तो हम करोड़ों घरों तक वह उजाला पहुँचाने के लिए प्रयत्नशील हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि देश में G20 का आयोजन चल रहा है, जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें विश्व की 75% की अर्थव्यवस्था और 2/3 की आबादी वाले देश, और उसी सिलसिले में G20 के भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के तहत Y20 यानी यंग 20 में आज यहाँ पर एक स्मृति व्याख्यान में मैं सहभागिता करने के लिए आया हूँ। परंतु यहाँ पे आकर मुझे एक बात का आभास होता है कि उड़ीसा की वह धरती जो बहुत ही शांत और यहाँ पर कभी भी किसी भी प्रकार का उपद्रव, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं रहती थी, वहाँ आज नई नई चुनौतियाँ देखने को मिल रही। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह संकल्प लिया था कि भारत के हर गरीब वंचित व्यक्ति को जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं मुहैया कराएंगे, जिसमें भोजन और आवास दोनों ही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जिस प्रकार की समाचार प्राप्त होते हैं वो निश्चित रूप से कष्टकारक है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, ये तो कोणार्क के सूर्य की धरती है और हमारा तो संकल्प ये है कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुँचा। तो हम करोड़ों घरों तक वह उजाला पहुँचाने के लिए प्रयत्नशील हैं। देखिए, मैं सिर्फ एक ही बिंदु कहना चाहूँगा, आज 21वीं सदी का भारत हो गया है, अब हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। और ये भी एक सुखद संयोग देखिए कि वो अंग्रेज़ जो हमको समझाने की कोशिश करते थे कि शासन करना भारतीयों को नहीं आता है, वहाँ भारतीय मूल का एक व्यक्ति उन्हें शासन करना सिखा रहा है, मगर अफसोस कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि विदेशी मीडिया संस्थान, विदेशी कहानियों से, विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर बोलने से वो भारत में कोई प्रभाव डाल लेंगे। तो उन लोगों के लिए मैं एक पंक्ति में कहना चाहूँगा कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की।